हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सलूशन अगर आप लोगों को आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डाला है, जहाँ आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम, या वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो, आपके रीचेकिंग रिजल्ट से रिलेटेड हो, या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है, आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि काफ़ी टाइम से हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो रीचेकिंग के रिजल्ट को लेके मेरे पास रोज़ ऐसा है, जो अभी आने वाले एक दो दिनों से देख रहा हूँ, व्हाट्सअप मैसेज हो या पर्सनली कॉल हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट के आते हैं। और आपने देखा होगा जो मैं आप लोगों का रिप्लाई भी जो है काफ़ी कम कर पाता हूँ, तो इससे मेन रीज़न आप लोगों को पता भी होगा, जो कि मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया भी था। जो अभी जो है आप ऐसे समझिए, ऑनलाइन क्लासेस तो आप लोग पूरे हरियाणा के किसी भी कॉलेज में अगर आप पढ़ते हो, तो हमारे पास सिविल वर्ल्ड के ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल थी। और अब जो है, जो भी स्टूडेंट हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी के हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ, जस्ट आपके कॉलेज के बाहर जो अब जो है हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो 12 तारीख को ओपनिंग है, आप लोग आए, और साथ साथ अगर आप फर्स्ट ईयर के किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आपको वहाँ क्लासेस मिल जाएगी। अगर आप सेकेंड ईयर सिविल ब्रांच के हो, आपको वहाँ क्लासेस मिल जाएगी। अगर आप थर्ड ईयर सिविल ब्रांच के हो, तो आपको ऑफलाइन जो भी क्लासेज है वो मिल जाएगी काफ़ी कम अमाउंट पे। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप लोग 12 तारीख को पहुंचे, और साथ साथ जो भी आपका रिजल्ट का जो रहा, जैसे कि सभी चेकिंग रिजल्ट कब आएगा, तो मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं। अभी जो है, मैं रिसेंटली 2 से 3 दिन में मेरे पास किसी से किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, बिना मतलब के तुक्के लगाना, वो आपने देखा होगा, ना कभी रहा टाइम और ना कभी फ्यूचर में, ना कभी करूंगा। बट जैसा आप लोगों ने देखा होगा पिछले एक वीडियो में, काफ़ी एक दो वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी था, जो आपका जो रीचेकिंग का रिजल्ट है वो 12 तारीख से पहले डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसी अकॉर्डिंग अगर मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि जो भी कंफर्म होगा वो तो मैं आपको कल ही बता पाऊंगा, और आप ऐसे मान लीजिए 12 तारीख के बाद जो भी शेड्यूल है आपके, जैसे वीडियो का रहा या फिर ग्रेस मार्क्स का, काफ़ी स्टूडेंट के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे, वो सारी वीडियो आपको 12 तारीख के बाद ही मिलेगी, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। आप समझ देख ही रहे हो, घर में खड़ा होकर वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है मेरे अकॉर्डिंग 12 तारीख से पहले आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, और हो सके तो मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक लग रहा है, जो 1-2-3 दिन के अंदर, मतलब लास्ट 12 तारीख, अगर हो जाए तो 13 तारीख से पहले आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी अपलोड कर दिया जाएगा। और साथ साथ जो रही बात सर ग्रेस मार्क्स को लेके, तो ग्रेस मार्क्स जो है आपके रीचेकिंग के रिजल्ट के बाद लगता है, और मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स आपको 5 नंबर मिलते हैं। इससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा। तो रीचेकिंग रिजल्ट से पहले जो काफी सारे स्टूडेंट है जिनके मेरे पास मैसेज आ रहे थे ग्रेस मार्क्स को लेके, तो आप अपने मन से कंफ्यूजन निकाल दो, जो आपका जो ग्रेस है वो ग्रे जो आपका रीचेकिंग के रिजल्ट के पहले लगेगा, ग्रेस मार्क्स आपका रीचेकिंग के रिजल्ट के बाद ही लगता है। और उसमें भी आप ऐसे मान लीजिए कुछ टाइम लगता है, टाइम कितना मैं आप अगर आप पूछो तो 10 से 15 दिन का टाइम जो है आपको लग सकता है। और जो ग्रेस मार्क्स है वो सिर्फ लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है। डी फार्मेसी वाले स्टूडेंट को ग्रेस अकॉर्डिंग टू जो आपके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, आपको ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, लेकिन जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है आप लोगों को ग्रेस दिया जाता है। तो रही बात रीचेकिंग की रिजल्ट की, तो मैं आपको बता दूं 12 तारीख से पहले आप लोगों का रीचेकिंग का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और रीचेकिंग का रिजल्ट कैसा रहेगा, तो आपकी बार जो है आपका रिजल्ट 5-6% जैसा पहले चलता आया है वैसा ही आएगा। जिन बच्चों का पेपर बढ़िया गया, आपका रिजल्ट काफी बेहतरीन रहने वाला है। और जो स्टूडेंट ऐसे पेपर करके आए हो, तो आपको तो पता ही होगा आपका रिजल्ट पहले। तो ये सारा अपडेट है, तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप 12 तारीख को अगर आप नीलोखेड़ी के आसपास हो, या जो स्टूडेंट हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी से, आप लोगों की जो भी क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज 12 तारीख से देखने को मिलेगी, तो 12 तारीख को अपना सिविल वर्ल्ड ऑफिस का ओपनिंग है, तो सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो अगर आप लोगों का आने का मन है, और मेरे अकॉर्डिंग ऐसा तो है नहीं जो मेरी आपसे कोई दुश्मनी है, जहां तक मुझे लग रहा है जो मैक्सिमम स्टूडेंट आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 1-2 दिन मैनेज करिए, आप खुद कंडीशन देख रहे हो, बिल्कुल भी टाइम नहीं रहने के चक्कर में आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय ऑल ऑफ यू, आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।